विवेक, और आज मैं आपको राउंड का फेस बनाना सिखाऊंगा। राउंड का फेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ये A4 साइज शीट, जो हमारे कॉपी कवर होते हैं वो चाहिए होगा। और उसके बाद हमें चाहिए होगा एक टेप रोल, और एक स्टेपलर, और एक सीजर, ठीक है, और एक ये स्केल, ठीक है। चलो हम राउंड का फेस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें राउंड के फेस बनाने के लिए इसको ऐसे A4 शीट का रोल करना होगा, रोल करके इसको बाद जब हम इसको खोलेंगे ऐसे करके, तो आप देख सकते हैं ये सिलेंडर की शेप में आ जाएगा, एकदम सिलेंडर की शेप में आ जाएगा। और ये हमारे राउंड की गर्दन है। गर्दन को आप जितने मतलब आप अपने राउंड के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे आप अपना राउंड थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो इस गर्दन को ऐसे थोड़ी चौड़ी रखना, अगर थोड़ा मतलब 4-5 फुट का बनाएंगे तो पतला रखना। जैसे रखे फिर आपको उसके बाद करना होगा ऐसे स्केल से सेंटीमीटर नाप लेने हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर करके यहाँ पे ये लगा देता हूँ पेन से निशान, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लूँगा। स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, सेम हमें जैसे हमने स्ट्रेट लाइन खींच दिया यहाँ पे एक, वही हमें ऐसे रखना है उस लाइन के ऊपर, और यहाँ पे सुई धागे की हेल्प से सिलना है। क्योंकि जितना आप अच्छे सिलेंगे उतना ही हमारा राउंड मजबूत बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक पिन लगा देते हैं, इससे हमारे ये हिले ना। ये करने के बाद अब हम इस पे सुई धागे की हेल्प से सिलेंगे। अगर आपको सिलना नहीं आता तो आप किसी बड़े की भी हेल्प ले सकते हैं। अब हमें इसके अंदर से ऐसे टपाना है ऐसे करके, और यहाँ पे एक नोट बन जाएगी, ठीक है। ये करने के बाद हमें और आगे ऐसे करके पूरा एंड तक फिनिश कर देना है। गाइस कि हमने ये सिल दिया है, तो हमें इन टांगों को मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे टेप का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम ये जो बड़ी जो चौड़ी वाली टेप होती है उसका यूज़ करें, जिससे हमारे टांगे और भी मजबूत हो जाएं और ये हिले ना। ये हमें अच्छे से फिक्स कर देनी है। जैसे आप देख सकते हैं जैसे हमने ये कंप्लीट कर दिया है, तो इसके बाद हमें एक ये ऐसा कार्गो चाहिएगा जो इसके 90% हो, मतलब जैसे आपका ये 100% है तो ये 90% होना चाहिए। ये देखिए जैसे यहाँ पे इतना झूठा हुआ ना, ये 90% होना चाहिए। तो इससे हमें क्या करना है, हमें इसे इधर रखना है और इसके इधर ऐसे ऐसे आमने सामने रख कर यहाँ पे अच्छे से एकदम आप पहले यहाँ पे स्टेपलर कर लें, उसके बाद स्टिचिंग करनी है जैसे अभी मैंने आपको इसके करके दिखाई थी। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रेट शेड में एक लाइन लगा देते हैं, जिससे हमें पता चले। चलो हमने यहाँ पे स्ट्रेट जैसे एक यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाई है हमने, और इसके सामने ही एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन के इधर रखेंगे ऐसे, और एक इधर इधर रखेंगे सेम, और इसे हमें सेम ऐसे स्टिच कर देना है। चलो स्टिच कर देते हैं।
जैसे आप देख सकते हैं हमने इतना ये कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये पूरी स्टिचिंग कर दी है और इस साइड भी स्टिचिंग कर दी है। जैसे हमने यहाँ पे स्टिचिंग करके टेप लगाई थी क्योंकि ये हमारी सिलाई बाद में कच्ची ना हो। देखो सिलाई हमने इतनी मजबूत करी है कि इतनी खींचने के बाद भी नहीं लगा, इसलिए आपको भी ये ध्यान रखना है कि हमें सिलाई बहुत अच्छे से करनी है। ये करने के बाद हमें इस पर पूरे पे टेप लगानी होगी, जैसे मैं आपको ये लगा के दिखाऊं। ऐसे सेम आपको इसके बैक साइड लगाना होगा। ये करने के बाद हमारे रावण का फेस कुछ कुछ सामने आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं ये। अब हम रावण की चिन्ह बनाने के लिए हमें दो ऐसे स्टेप चाहिए होगी। उसे हमें कुछ ऐसे टेप के आप से भी कर सकते हैं, आप स्टिच भी कर सकते हैं। हमें कुछ ऐसा बनाना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टिच करते हैं। स्टिच करने के बाद हमें इसे कुछ ऐसे करना है और इधर भी सेम ऐसे स्टिच कर देनी है। जैसे आप देखेंगे ऐसे स्टिच हो जाएगी बाद में ऐसे करके कुछ। सो जैसे कैसे आप देख सकते हैं हमने ये तैयार कर लिया है रावण की चिन्ह। तो हम इसे रावण के यहाँ पर फिक्स करेंगे, यहाँ पर कुछ ये भी हम स्टिच ही करके करेंगे फिक्स। तो अभी टाइम ज़्यादा ना बढ़े इसलिए हम आपको स्टिच करके। तो गाइस जैसे आपने ये बनाना सीखा इसके बाद हम इसकी रैपिंग करेंगे ये न्यूज़पेपर से। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हमें न्यूज़पेपर लेना होगा इसके स्क्वायर में। जैसे ये न्यूज़पेपर है तो हम इसको ऐसे ऐसे काट के स्क्वायर में हमें इसके जो पेपर काटना होगा। जैसे आप देख सकते हैं छोटे छोटे पेपर कट गया है। इसके बाद हम इसे ऐसे ऐसे कर देंगे, थोड़ा ऐसे से फाड़ देंगे ऐसे ऐसे। इससे क्या होगा, जो जब हम इस पर ऐसे रैप करेंगे तो हमारे जो रावण का फेस है वो अच्छे से उभर कर आएगा और हमें और दूसरों को जो हमारे रावण को देखेंगे उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो हम जल्दी से फाड़ लेते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे फाड़ना है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम करेंगे कि हम इसको ले की हेल्प से भी चिपका सकते हैं। अगर आपको ले नहीं पता है तो आप YouTube पे भी सर्च मार सकते हैं ले कैसे कहते हैं या ले बनाने सिखाए हाउ टू मेक फेविकोल। तो आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियो चल जाएंगी कि ले कैसे बनाते हैं। अगर आपको ले बनानी नहीं आती है तो आप सिंपल से आपके पास फेविकोल होगी, ये फेविकोल है इसके अंदर, तो आपको फेविकोल लेना होगा और उसके आप क्या करेंगे फेविकोल से पूरे न्यूज़पेपर करके और आप इस पर रावण पर चिपका सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों पिछले साल का रावण, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट विवेक तोमर पर जाके पिछले साल जो मैंने रावण बनाया था उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। सिंपली से आपको ऐसे करना है और इधर लगा देना है। सेम ऐसे आपको पूरे रावण पे आगे पीछे कर देना है। चलो अब हम इसे कंप्लीट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं जैसे हमने ये राउंड को कंप्लीट पूरे न्यूज़पेपर रैपिंग कर दिया है। तो इसके अगली वीडियो जैसे आँख नाक कान इसके और मूछें इसके अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बना के दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।